दिस न्यूज इज़ स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंक हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैद अली चबूतरा नियर शागौ होटल आप सबका इस्ताल है ए एटीन तेलंगाना न्यूज के खास खबरनामे पर आज 18 सितंबर यानी हफ्ते का दिन है आये नाजरन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें उत्तर प्रदेश में एक लड़की अपने दोस्त सलमान के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रही थी मार्केट पार्क मेरठ उत्तर प्रदेश में उसी दौरान कुछ हिंदूफता के लोग आए हिंदू जागरण मंच गैंग से और जबरदस्ती सलमान को चप्पल से मारने लगे साथ ही लड़की पर भी जुल्म और हरासा किया गया जिसके बाद लड़की के वालिदा ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई हिंदुफ्ता हिंदू जागरण मंच गैंग के खिलाफ और सलमान के खिलाफ पुलिस ने बयान देते हुए कहा की लड़की खुद अपनी मर्जी से सलमान के साथ थी वाज रहे नाजरीन रोजाना आतंकवादी मुसलमानों को हरासा करने की खबर सामने आ रही है हुकूमत को चाहिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जैसे कि नाजरीन आप सब जानते हैं फॉर्मर एक्टर सना खान की बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ने की खबर के बाद एक और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सनम चौधरी ने फैसला किया कि इंडस्ट्री छोड़कर वो इस्लाम की राह पर चलेगी इस खबर ने सबको चौंका दिया है सोशल मीडिया के जरिए सनम चौधरी ने कहा कि इस्लाम की राह पर चलने वो इंडस्ट्री छोड़ देंगे वो पूरी जिंदगी इस्लाम के तौर तरीकों पर जियेंगे तीस साल सनम चौधरी पाकिस्तानी अमेरिकन सिंगर सोमी चौहान से शादी किए थे साथ ही सनम ने पी एजेंसी से किए कि उन्हें पिया ना भेजे न ही उनसे प्रमोशन के लिए कहा जाए इंडिया में अचानक कोविड इजाफा देखने मिला। 3 केसेस में इजाफा हुआ है वैक्सनेशन करने के भी इजाफा देखने मिला केसेस में। पिछले चौबीस घंटों में इंडिया भर में पैंतीस हजार छह सौ बासठ नए कोविड नाइन्टीन केसेस दर्ज किए गए के दिन। और पिछले चौबीस घंटों में दो सौ इक्यासी कोविड नाइन्टीन मुतासरी की मौत वाकई हुई पैन कार्ड को बायोमेट्रिक के जरिए आधार कार्ड को लिंक करवाने हुकूमत ने जुम्मे के दिन छः महीनों का वक्त और दे दिए हैं मार्च 2022 तक आधार कार्ड नंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जोड़ने और पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने के लिए 30 सितंबर से 31 मार्च 2022 तक का वक्त बढ़ा दिया गया है हुकूमत की जानब से तीन चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स जो पहले ऐसे लोग हैं जो ऑर्बिट भेजे गए थे स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन के लिए अर्थ यानी धरती पर जुम्मे के दिन लैंड हुए बताया जा रहा है कि ये लोग तीन महीने का लंबा मिशन मुकम्मल करके वापस आए और चाइना ने एक नया रिकॉर्ड कायम किए अपने क्रियो को लंबे वक्त के लिए स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भेजने टॉप वैक्सीनोलॉजिस्ट का कहना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर कम असरदार होगी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मुकाबले साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक नया वेरिएंट नहीं आएगा तब तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर का डर नहीं है अगर कोरोना वायरस की तीसरी लहर दाखिल भी होती है तो कम असरदार होगी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मुकाबले बताया गया की तीसरी लहर के दौरान सिर्फ कुछ मुकाम आरोप अचानक कोविड नाइन्टीन केसेस में इजाफा होगा जहाँ लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाए हो टॉप वैक्सीनोलॉजिस्ट गीप कांग ने कहा यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जुम्मे के दिन कहा कि यूट्यूब के व्यूअरशिप के, के जरिए वो चार लाख रुपए कमाते हैं इस कोरोना वायरस वबा की वजह से अचानक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में लोगों को व्यूज में इजाफा हुआ मिनिस्टर ने कहा कि उनके यूट्यूब चैनल पर अचानक व्यूज में इजाफा हो रहा है यूट्यूब उन्हें चार लाख रुपए अदा कर रहा है मिनिस्टर ने ये बात एक इवेंट में हंसते हुए कही जहां वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वे बारोच में तामीराती काम का जायजा ले रहे थे मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके बयान इतने मशहूर होंगे और उसके बदले उन्हें पैसे मिलेंगे